हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 500 ग्राम यानी आधा किलो गाजर। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, ऊपर से हल्का हल्का इसका छिलका निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कद्दूकस के मदद से आप इसे पहले कद्दूकस कर लीजिए इस तरीके से। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब घी डाल देंगे। घी गरम कर लेंगे, उसके बाद में हम इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। अब हम गाजर को ढक करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं। तो गाजर अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें दूध डाल देंगे। आप देख सकते हैं गाजर का थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी भी कम होने लगा है। यहाँ पे मैं 1/2 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी मलाई सहित, क्योंकि मैं इसमें कोई खोआ वगैरह नहीं डालूँगी। अब हम इसको दूध डालने के बाद ऐसे ही कुछ देर चलाते रहना जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए, नहीं तो फटने का डर रहता है। अब जब उबाल आ गया तो मैंने इसे ढक करके पकाया है। आप देख सकते हैं दूध फटा नहीं है। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी के डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका पूरा दूध सुखाना है। जब दूध सूख जाता है तो इसमें जो दूध होता है वो खोआ का ही टेस्ट आता है इसमें। आप देख सकते हैं धीरे धीरे दूध सूख रहा है, उस दूध की क्वांटिटी कम हो रही है। हमने ढक करके ऐसे इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। अब हम फिर चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं कि दूध जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अब इसे ढक करके पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाजर जो है वो पक चुका है। अब आप देख सकते हैं बस इसमें जो दूध है वो सूख जाए। आप देख सकते हैं सूख चुका है गाजर का हलवा, लगभग रेडी है। हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं। घी डाल करके हम मिक्स कर देते हैं। इसमें बाद में घी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हम यहाँ पे 4 कुटी हुई इलायची डाल रहे हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर डालें। थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं और फिर हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है खाने में, एक बार ज़रूर बनाएँ और खाएं, एंजॉय करें। गाजर का हलवा ठंडी के मौसम में ज़रूर लोग बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ और रेडी है गाजर का हलवा खाने के लिए।